अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, चीज़ी यमी पास्ता। अगर किसी के पास कुकिंग क्रीम नहीं है, पहले मैंने एक बार कुकिंग क्रीम के साथ ये रेसिपी शेयर की थी, लेकिन अगर आपके पास कुकिंग क्रीम नहीं है तो आप बग़ैर कुकिंग क्रीम के भी ये पास्ता बना सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि पानी में नमक और ऑयल डालना है, और जब अच्छा सा बॉईल हो जाएगा तो उसमें आपने पास्ता ऐड कर देना है। अच्छा, पास्ता को मैं 90% तक कुक करती हूँ, इससे ज़्यादा कुक नहीं करती। उसके बाद मैं उसको उसी गर्म पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो उससे ये होता है कि एक तो वो इतना स्टिकी नहीं होता और वो बहुत अच्छे तरीके से फूल जाता है और मज़े का हो जाता है। उसके बाद एक ब्रेस्ट पीस मैंने लिया है जो तकरीबन 200 ग्राम्स का था, उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। पैन में मैंने गार्लिक डाला है, गार्लिक सॉफ्ट हो जाएगा, जब गोल्डन सा हो जाएगा खुशबू आएगी तो मैंने उसमें चिकन के जो क्यूब्स हैं वो डाल दिए हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से नमक डाल के फ्राई किया है। फिर उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब मेरे पास अचार गोश्त मसाला मैंने वो ऐड कर दिया। कुछ और इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ लाल मिर्चें थोड़ी सी ऐड की, ना चिली सॉस सोया सॉस कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैंने पास्ता मिक्स कर दिया और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया मसाला। साथ ही मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब डाला है मैदा, और मैंने उस मैदे को अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर लिया। और फिर मैंने इसमें 500 ml के करीब मैदा डाला है, आधा डब्बा दूध का पूरा मैंने इसके बीच में डाला और उसको कुक होने दिया। थोड़ा सा वो कुक हुआ तो थोड़ा सा थिक हुआ जब, तो मैंने फिर उसके अंदर 200 ग्राम्स के करीब श्रेडेड चीज़ थी, सॉरी 100 ग्राम थी श्रेडेड चीज़, मैंने ये बीच में शामिल कर दी। इसको थोड़ा सा कुक किया, जब ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई तो मैंने इसके बीच में वो सारा पास्ता ऐड कर दिया। साथ ही ऊपर से थोड़ा सा ओरिगैनो डाला और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और यमी टेस्टी पास्ता तैयार है। अच्छा, पास्ता अगर आप जैसे फ्रिज में रखते हैं सारा तो एक साथ नहीं खा सकते, और अगर फ्रिज में करते रखते हैं और ये स्टिकी हो जाता है तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं, आप दोबारा से इसको थोड़ा सा दूध डाल के गर्म कर लें, वो वापस अपनी उसी स्टेट में वापस आ जाएगा, उसी तरह से चीज़ी और क्रीमी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास ओवन नहीं है, ओवन में गर्म नहीं करते, पैन में करते, तो भी ऐसे गर्म कीजिए। शुक्रिया।